জনাইছে বিজেপি সাংসদে। সংসদ ভবনৰ বাহিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। তিনি ৰাজ্যত নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ বাবে আদৰণি জনাইছে সাংসদসকলে আৰু ইয়াত ব্যতিক্ৰম ধৰণৰ এক আদৰণি আপোনাক মুহূৰ্তত আমি এম্বিয়েন্স শুনাইছোঁ আগবঢ়াইছোঁ। তিনি ৰাজ্যত উৰিল গেৰুৱা নিচান। ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় বিজেপিৰ দখলত। তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ মান ৰক্ষা পৰিছে। 199 আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনত ৰাজস্থানত বিজেপিৰ 115 আৰু কংগ্ৰেছে 70 আসন লাভ কৰিছে। আনহাতে 230 আসনযুক্ত মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে 163 আসন আৰু কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে 66 আসন। ছত্তীশগড়ত 90 আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে 54 আসন আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 35 আসন। আৰু তাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এয়া আপোনাক ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। তিনি ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বিজয়ৰ পাছত আনন্দ উল্লাস। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ সাংসদসকলে। সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीरे गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए, सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्ज्वल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। यार खोटा खामोरी सवाबेलीर खंगबंद। নমস্কাৰ।